हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो गेट अनरेडी विथ मी, वीडियो शूट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माइसलर वाटर गार्नियर का। ऑब्वियसली इसमें दो टाइप के शेड आपको मिल जाएंगे। मैं पिंक वाला यूज़ कर रही हूँ, दूसरा येलो वाला आता है। दोनों ही अच्छे हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आपको, ऑब्वियसली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो मैं हैंकी से अपना माइसलर वाटर इसमें स्प्रेड करके अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप मार्केट वाले मेकअप रिमूवर पेड आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, बट मैं प्रीफर हैंकी करूँगी बिकॉज ये रीयूज भी हो जाएगा अपने फेस पे। तो आपको पैसे खर्च नहीं करने, तो डेफिनेटली आप ऐसे ही अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो अच्छे से। ओके, देन मैंने अच्छे से मेकअप रिमूव कर दिया, उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे फेस वॉश। ऑब्वियसली आपको पहले माइसलर वाटर यूज़ करना ही है, वरना आपके ऐसे यूज़ नहीं करोगे माइसलर वाटर डायरेक्ट अपना फेस वॉश कर दोगे तो आपको आपके फेस पे पिंपल्स हो सकते हैं। तो मैंने माइसलर वाटर यूज़ किया, उसके बाद फेस वॉश यूज़ किया, अच्छे से क्लीन कर दिया मेरा फेस। उसके बाद मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ, टोनर मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। टोनर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइजिंग। ऑब्वियसली मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइजिंग पॉन्ड्स के यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, उसके बाद मैं अंडर आइज पे भी मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइजिंग, ओके, ताकि मेरी स्किन हाइड्रेट रहे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में यूज़ करूँगी ऑब्वियसली लिप बाम मैं यूज़ करूँगी। तो गेट अनरेडी विथ मी वीडियो हो गया है मेरा, तो इतने ही स्टेप थे। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।